देख सकते हो। अरे क्योंकि काम कारण के बिना होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस दीवार को तोड़ो और तरीके और बताता हूं। इसको सब्बल से, हथौड़े से, बुलडोजर से तोड़ो। आप तोड़ेंगे भाई साहब? और तरीके भी बता दिए तो भी नहीं तोड़ेंगे। और मैं आपको बोलता हूं, जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए उधर रखा है वो पहले मिलेगा। अब तरीके पूछोगे मुझसे आप? चाहे कोई पत्नी को लाके तोड़े, कोई पाठे से तोड़े, चाहे कुछ भी करे, तोड़ेगा कि नहीं? पहले कारण नहीं था और अब ठानने का कारण। 100 करोड़ फायदा तोड़ रहे भाई, तोड़ कारण हो गया। एक आदमी के 104 डिग्री बुखार, उसको जाकर बोला चल घूमने चलते। भैया नहीं, तू चल सकता है? अरे मैं चल, मैं हिल नहीं सकता। नहीं नहीं, कारण हो तो तू दौड़ भी सकता। अरे दौड़ तो मैं हिल ही नहीं सकता, तू कह रहा है दौड़ रहा है। अब वो जो बता रहा था ना, वो मेरे जैसा पागल था, क्योंकि अब उसने ठान लिया कि ये कह रहा है दौड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ये दौड़ सकता है। उसने बुलडोग कुत्ता लगाया पीछे, बुलडोग को समझ? बुलडोग जानते हो? इमेजिनेशन होती है। बुलडोग का मतलब है जिस हिस्से को छुएगा वहां से 8 इंच का गोला करके जाएगा। जो हिल नहीं रहा था, अब वो ऐसा दौड़ा कि रुक नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? अरे ये पॉसिबल नहीं है। 104 डिग्री में जो हिल नहीं रहा था, अब रुक नहीं रहा। पहले दौड़ने का कारण नहीं था, अब रुकने का कारण नहीं है, क्योंकि जो बुखार में लेटे रहने का दर्द था, उस दर्द से बड़ा दर्द